देखो सुनो मत बोलो मेरे बहने बहुते भयुआ भी 100% करना तक किसी को आओ मत कहो किसी को जाओ मत कहो ना कुछ पाना श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः हम लोग तेजोबिंदु उपनिषद पर चिंतन करेंगे। गुरु स्तोत्र में आप सबने एक श्लोक का अर्धा भाग सुना होगा। बिंदु नाद क्या है वो श्लोक? पूरा श्लोक कहो। हाँ विद्यार्थी लोग हैं कोई यहाँ? विद्यार्थी का अर्थ मालूम है ना आपको? जो विद्या की अर्थी उठा दे ले जाते। बिंदु नाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यह है तेजो बिंदु उपनिषद। बिंदु तो ये बिंदु नाद कला क्या चीज है? देखो, कोई भी प्रारंभ हमेशा बिंदु से होता है। यदि आप पेन पेंसिल लो और लिखना शुरू करो तो जहां आप पेपर को टच करोगे वो हो गया बिंदु। खत्म हो गया क्या? तो जब टच किया तो बिंदु हो गया। उसके बाद लिखना है ओम, तो जब ये पेंसिल या पेन पेपर पर घूमेगी लिखने के लिए तो दो वस्तुओं का घर्षण होने से वहाँ नाद निर्माण होता है। होता है ना? आप अपना हाथ ले लो और अपने मुंह पर मारो, वहाँ नाद निर्माण होगा। और फिर कला, कला माने आकार। तो जब हम ओम लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं? कागज ले लिया, पेंसिल ले ली, टिकाया ओम बिंदु नाद, फिर कला अतीतम। ये ओंकार का ध्यान करने की प्रक्रिया है। तो कला या आकार स्थूल है। मैं स्थूलेस्ट कहने वाला था, अंग्रेजी हिंदी मिक्स हो करके। तो यह जो आकार है यह स्थूलता है, स्थूलतम संस्कृत में स्थूलतम। उसके बाद नाद उससे सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म स्थूल को ठीक से समझो। एक हमारी अम्मा महामाया वृंदावन में, हम स्वामी अखंडानंद जी के साथ थे, वहाँ बैठे हुए थे महाराज जी के साथ, सुन रहे थे सत्संग। तो एक अम्मा ने कहा कि महाराज जी आपको तो स्थूल बुद्धि है, हमको तो सूक्ष्म बुद्धि है, हमको समझ में नहीं आता। इसलिए ठीक से समझ लो। मुझे बताओ, वेदांत में आदमी दुखी हो सकता है क्या?
यदि दुखी हो गए तो आप बंगाली हो गए। क्यों? वेदांत को बंगाल में वेदांत कहते हैं। वेदांत माने जिसके दांत निकल गए, बुढ़ाऊ हो गया, बुढ़ा हुआ आदमी दुखी होता है। तो आकार रूप यह स्थूल है, उसके बाद नाद यह सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्मतर है बिंदु। तो स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर तीन हो गए, और अंतिम है सूक्ष्मतम। इसको संस्कृत में कहते हैं तारतम्य भाव। जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो ये तीन है अ उम, और ये अ उम ओम के परे जो है उसको कहते हैं अमात्रा। देखो अमात्रा माने, मात्रा माने नापना। देखो हमको एक किलो मात्रा सुवर्ण देना, अब उधारी नहीं देना है तो नमक का क्यों दे, मिलना तो कुछ है ही नहीं। क्या चाहिए आपको? एक किलो सोना दे देना। पैसे है क्या? देख लेंगे यार, पहले दे तो दो। तो मात्र माने नापा हुआ। तो अनंत को जब नापा जाता है तब उसको अ उ म कहते हैं। अ का तात्पर्य है आकार में नापे गए। तो यह स्थूल जगत जो है यह रूपात्मक है, और इसीलिए कहते हैं शास्त्र कि जगत क्या है, नाम रूपात्मक जगत। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचमशकम् आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम्। तो जो नाम रूप है यही जगत है। देखो आप देखो कैसी सुंदर बात है, ये माइक इसका रूप है, आकार है, लेकिन इस माइक को ये पता नहीं कि इसका नाम माइक है, इसको नहीं पता। तो जब कहते हैं कि जगत नाम रूपात्मक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि केवल रूप ही जगत नहीं है। देखो उसके साथ नाम भी चाहिए, कितनी सिंपल बात है। अभी हम गए थे कहीं, एक बच्चा पैदा हो गया, लड़की, तो हमको बोले स्वामी जी इसका नाम रखना है। मैंने कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, इसका नाम निकला है ड, वो ड पर लिखना है। लड़की है क्या करूँ, डिसेंट्री। नाम ही तो रखना है। बोले आपने ठीक ही कहा, क्यों होने के बाद वही कर रही है। तो वस्तु बाहर है जिसका रूप है, इसका नाम हमारे मन के अंदर है। तो जगत कहाँ है, बाहर है क्या? नहीं। जगत कहाँ है, अंदर है क्या? यहाँ चिंतन करो। देखो जो ख्याली पुलाव होते हैं ना, जिसको मध्यमा वाणी कहती, उपांशु जब कहते हैं, वो सब मन के अंदर ही होता है, हम ही कल्पना करते। माने रूप में केवल रूप है, नाम में नाम के साथ रूप भी है, हम ही कल्पना करते हैं ना। हम गए स्विट्जरलैंड और वहाँ गाड़ी चला रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, ख्याली पुलाव। तो यह जो नाम है यह रूप को साथ में रखता है, और बिंदु, बिंदु माने प्रारंभ। हमारे स्वप्न और सुषुप्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है, स्वप्न और जागृत का प्रारंभ कहाँ से होता है, सुषुप्ति से। तो सुषुप्ति है बिंदु, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हो गए तीन बातें, बिंदु, नाद, कला।
अतीतम, इन तीनों के परे क्या है? इन तीनों के परे अमात्र, अमात्र माने जिसको नापा नहीं जा सकता। अब देखो, राम 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 कितने बार कहा हमने? तीन बार। नाप लिया आपने, गिनती करी। अब हम फिर कहेंगे, फिर आपको प्रश्न पूछेंगे, राम राम, इसमें आप शब्द के अभाव पर ध्यान ले आओ। शब्द का अभाव माने शांति, वहां ध्यान ले आओ। अब ये जो शब्द का अभाव है ये कितना है? कोई नाम ले लो, श्री राम, तीन सेकंड, और जो शांति है अमात्र, इसको गिन नहीं सकते आप। अभाव की गिनती नहीं होती। देखो महाराज, इसको कश्मीरी शैवाइज्म में कहते हैं महाशून्य, जो सभी अभाव का प्रकाशक है वो महाशून्य है, माने जिसमें अभाव की संभावना नहीं है। अब कहाँ नहीं है अभाव की संभावना? अपने आप में हमको हर चीज का अनुभव आ सकता है, सुख दुख लाभ हानि जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब का अनुभव आता है, लेकिन हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। तो बिंदु नाद कला अतीतम, माने बिंदु नाद कला, इसमें से नाद और कला ये भावात्मक है। जागृत स्वप्न में हर वस्तु का ज्ञान भावात्मक माने अस्थि प्रत्यय होता है, और सुषुप्ति नास्ति प्रत्यय, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, देखो। लेकिन ये अस्थि नास्ति इन दोनों का प्रकाशक, जो जागृत स्वप्न को भी प्रकाशित करता है भावात्मक, जो सुषुप्ति में इन दोनों के अभाव को प्रकाशित करता है अभावात्मक, तो यह जो भाव और अभाव इनके परे है उसको कहते हैं अमात्र, जो महाराज जी ने बताया था मांडुक्य उपनिषद की बात है। तो बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु महाराज कौन हो गए? आपका अपना स्वरूप। सद्गुरु अनेक नहीं होते। कोई अपना नाम रख ले, जैसे कोई कुछ भी रख देता है नाम, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। अच्छा, क्या करते? झाड़ू लगा दे। नाम रखने से क्या होता है? इसीलिए यह जो ओम है, ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म वृद्धि संस्थितम आणवम शांभवम शांतम स्थूल सूक्ष्म परम चयत, पहला श्लोक है। जिनके पास है, जिनको गला साफ करने की इच्छा है, हमारे बात कहो। ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदि संस्थितम आणवम शांभवम शांतम स्थूल सूक्ष्म परम चयत। तो ओम, हमने आपको ओम के बारे में शॉर्ट में बताया है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा आजकल के गैजेट में आता है, या बच्चों को जब पढ़ाते हैं स्कूल में, एक आकृति बना ली मनुष्य के आकार की, और बच्चे को कुछ पता नहीं, तो लड़के आदमी का जो आकृति में सर होगा वो आकार है, रूप, वहाँ से एक एरो निकालेंगे और एक बॉक्स में लिखेंगे हेड, फिर दूसरा उसका पेट आकार है, कभी कभी बहुत ही बड़ा हो जाता है आकार है, वहाँ से दूसरा एरो निकालेंगे और बॉक्स में लिख देंगे
कि ये पेट है, ये तीसरा पैर, वहाँ उसको दिखाएंगे एरो के द्वारा रख दें पैर। तो यह जो तीन वस्तु दिखाई है यह है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत को नाम दे दिया अ, स्वप्न को नाम दे दिया उ, और सुषुप्ति को नाम दे दिया म। इसको कहते हैं अभिधेय अभिधान। मैं ये शास्त्रीय शब्द कम से कम लाने का प्रयत्न करता हूँ, भाग जाओगे मुझे मालूम है। जरा ठीक से बोलो ना हिंदी में। तो ओम, और उसके बाद शांति आती है। तो ओम, मेरे किसी ने अभी रिसेंटली पूछा था यहीं, तो स्वामी जी ओम का उच्चारण कैसा करते हैं? जे मर्जी करो। बोले नहीं मुझे मालूम नहीं, कई प्रकार से महात्मा कई चीज़ें बताते हैं, तो कैसा करना नहीं चाहिए, कैसा करना चाहिए बताइए। हमने पहले हम बता दें कैसे नहीं करना चाहिए। नॉर्मली सभी लोग ऐसा ही करते, ओ अपने आप के कुत्ते होते न। वैसा मत करो। वो करने से क्या होता है कि ओम इस ध्वनि के द्वारा जो शब्द का निर्माण होता है वो बाहर के जगत में नष्ट हो जाता है। बीच में ज्ञान की गोली खानी पड़ती है, ये तो ज्ञान खत्म हो जाता है। और फिर यदि आप म को लंबा करो, ओम तो ये ओम के उच्चारण का प्रभाव हमारे पूर्ण व्यक्तित्व पर होता है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह तीनों पर होता है, क्योंकि ये बाहर नहीं जा रहा, अपने अंदर ही काम कर रहा है। तो ओम, फिर कहते तेजो बिंदु परम ध्यानम। अब ध्यान लगाओ अपना, कहाँ लगाओ? जहाँ से ओम शब्द का उच्चारण प्रारंभ होता है और जहाँ यह ओम शब्द समाप्त हो जाता है, ओम तेज बिंदु। सो बिंदु जो है ये प्रकाशात्मक है। अब इसको लेकर के जो योग की या ध्यान की प्रक्रिया में कई लोग फंस जाते हैं, प्रकाशात्मक है ओम बिंदु माने कोई प्रकाश को देखो, इसको प्रकाश नहीं कहते, ये लाइट है। प्रकाश किसको कहते हैं? देखो ये माइक है, इसको मैं देख रहा हूँ माने मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। ये माइक अपने आप स्वयं प्रकाशित नहीं है, इसीलिए पहले इस पर बाहर के प्रकाश को आना है और इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होना है, तब ये प्रकाशित हो गया। उसके पश्चात इस माइक को प्रकाशित करने वाली मेरी आंखें हैं, तो ये माइक से बाहर का प्रकाश तेज है क्योंकि इसको प्रकाशित कर रहा है। ये माइक प्रकाश को तेजित प्रकाशित नहीं कर सकता। इसी प्रकार से अब मेरी आंखें इस प्रकाशित माइक को प्रकाशित कर रही है, ध्यान से सुनना। तो जैसे ये बाहर का प्रकाश आप देखते हो जिसके द्वारा ये माइक आपको दिख रहा है, उसी प्रकार से मैं अपने आँखों से इस माइक को देख रहा हूँ, तो मेरे आँखों से कोई लाइट निकल रहा है क्या?
सभी चीजों को प्रकाशित करने वाला सूर्य, उस सूर्य को प्रकाशित करने वाली मेरी आंखें। यदि आंखें नहीं हो तो सूर्य की सत्ता नहीं हमारे लिए। तो जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है वो कितना तेज पुंज होगा। फिर हम कल्पना क्या करेंगे, सूर्य इतना तेज नहीं। ये बात स्पष्ट समझ लो, इसी चक्कर में फंसे रहोगे। मैं जब बैठा था एकदम लाइट आ गया, फिर आता ही नहीं। नहीं, देखो तो तेजो बिंदु परम ध्यानम, तो जहां से यह ओम शब्द का प्रारंभ होता है और जहां ये समाप्त हो जाता है, इधर ध्यान दो। ओम ओम, तो जब आप अपने कमरे में जाओगे, शांत बैठोगे, उस समय इसका थोड़ा अभ्यास करना। इसका प्रारंभ होता है बिंदु से। बिंदु का स्थान है हमारा आध्यात्मिक हृदय। जब किसी को कहना होता है कि मैं तुमको सिखाऊंगा, किसी को डांटना होता है तो मैं तेरी टांग काट दूंगा, तो हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं। एक तो अपने इस उंगली का, इसको तर्जनी कहते हैं, तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम तर्जनम। माने ये कौन कहता है तर्जनम, मैं समझो, किसी ने कहा मैं तुम्हारी टांग काट दूंगा, अच्छा हो गया, जोश नहीं आता उसमें मैं। और जब कहता मैंने कहा है तो हम इस उंगली का उपयोग करते हैं और मैंने कहा है ऐसा नहीं कहेंगे, मैंने कहा ऐसा नहीं कहेंगे, मैंने कहा है। तो हमारे मैं का स्थान जो है वो है बिंदु स्थान। देखो तो यहां से शुरू होता है, ओम ये है तेजो बिंदु। वहां हमको अपने ज्ञान को लाना है। कई बार आपने किया भी होगा, ये जो होते हैं ना क्रैश मेडिटेशन कोर्स, जिसमें साधक को क्रश कर डालते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल कोर्स में फीस होती है, सेकंड लेवल कोर्स में डबल फी होती है। तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं करना, जहां से प्रारंभ हुआ वहां वापस आ गए। फिर और सूक्ष्मता से जब आप चिंतन करोगे तब पता चलेगा, जो आरंभ और अंत युक्त होता है उसको प्रकाशित करने वाला जो आरंभ युक्त या अंत से रहित होता है। शब्द के अभाव को हम जानते हैं, फिर शब्द के अस्तित्व को हम जानते हैं, फिर शब्द के अभाव को हमने जाना। तो ये शब्दों का आना जाना तो हो रहा है, उसके द्वारा यदि हम प्रभावित नहीं होंगे तो आपने अध्यात्म में प्रवेश किया है। तो क्या करें, उसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है। टेक्निक ये है, देखो सुनो मत बोलो। बोलना माने क्या, नाम रूप को लेकर के अपनी कमेंट्री शुरू कर देना। कमेंट्री शुरू करना माने
शब्द का निर्माण, बिंदु नाद शब्द आ गए, फिर कला, उसके कारण दुनिया निर्माण हो गई। इसीलिए तेजो बिंदु परम ध्यानम, इस तेजो बिंदु पर ध्यान रखे तो हम ये ओम के परे चले जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या, हम सब जाते हैं नींद में, तो हमने नाम रूप का त्याग कर दिया लेकिन नींद में प्रवेश नहीं किया। इस जागृत निद्रा को कहते हैं परमात्मा का अनुभव या अनुभव स्वरूप परमात्मा। तो सुषुप्ति के क्या लक्षण है, तत्र माता अमाता भवती, तत्र पिता अपिता भवती, वहाँ माँ माँ नहीं, बाप बाप नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ देर इज नो बडी। तो वेन वी, जब हम जागृत अवस्था में नो बडी के दृष्टि से जीना शुरू करते हैं तो क्या होगा, नो बडी इज हैप्पी। देखो, नो बडी अलोन इज हैप्पी, समबडी इज ऑलवेज मिजरेबल। और इसीलिए मौज में रहो, बी हैप्पी, माने बिंदुनाद कलातीत। कई बार क्या हो जाता है, स्वामी जी ये क्या हैप्पी हैप्पी बी हैप्पी, कुछ और बताओ, गंगा जी में डुबकी लगाओ, फिर क्या होगा, सर्दी होगी, फिर क्या होगा, डॉक्टर के पास जाओगे, तुरंत प्रमाण है। महाराज, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। और ये ज्ञान कैसा है, किसी का ज्ञान नहीं है, ये कैमरा है, कैमरे का ज्ञान, ये माइक है, ये माइक का ज्ञान, ये ज्ञान किसी का नहीं है, ये ज्ञान मात्र है। जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय इस भेद का निर्माण नहीं होता, अभी जो है वो इसको समझने का प्रयत्न मत करो, पकड़ भी आ गया निकल गया। देखो, तो ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम। इसलिए भगवान दक्षिणामूर्ति के ध्यान श्लोकों में ये आता है, चित्रम चित्रम विचित्रम आश्चर्य, चित्रम वटतरोर मूले, वटवृक्ष के मूल में, वृद्धा शिष्या, शिष्य बूढ़ा हुआ है, और गुरु युवा है, और गुरु महाराज ने प्रवचन शुरू कर दिया, किसमें, मौन में, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, शिष्यास्तु सो गए, छिन्न संशयाहा, कोई डाउट नहीं अभी किसी बारे में। इसीलिए हम ज़्यादा प्रश्नोत्तरी के चक्कर में आपको नहीं रख दे, यही एक कारण है, एक आपको हम थंब रूल दे रहे हैं, जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न आज तक नहीं आया, वो आप हो, वही परमात्मा है, वही गॉड रियलाइजेशन है, वही अवेकनिंग है। किसके बारे में नहीं आया प्रश्न, अपने होने के बारे में, कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। अब और क्या जानना है, खाक। लेकिन ये दुनिया में इतना दारिद्र है, वार हो रहे हैं, क्या करें, तुमने निर्माण किए क्या, नहीं, क्यों क्यों परेशान करते हो। देखो, जिसने निर्माण किया वो परेशान होगा,
हम यहाँ किस लिए आए हैं, भूलो मत उसको। इसीलिए बिंदुनाद परम ध्यानम और विश्वात्मा, और ध्यान से सुनना, यह जो तत्व ऐसे नहीं कि पर हेड वन है। देखो ये उदाहरण हमने आपको कई बार दिया है, यहाँ कितनी सारी ट्यूबलाइट है, ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप क्यों हंस रहे हैं मुझे बता दें, इसमें कौन सा जोक है भगवान जी, शब्द के परे है ये जोक। समझदार को इशारा काफी है, इतनी सारी ट्यूबलाइट है, वो अनेक है, उसमें प्रकाश एक है। देखो इसी प्रकार से देह अनेक है, देह में जीवन लाइफ एक है। जब हमारा ध्यान ट्यूबलाइट पर होगा, जब हमारा ध्यान देह पर होगा, तो अनेकता नजर आएगी। यदि हमारा ध्यान लाइट पर होगा तो अनेकता में भी एकता नजर आएगी। देखो बड़ा सिंपल है महाराज, कठिन नहीं है। अब हमको ये अनेकता के परे जाना है, इसके परे जाना तो क्या करना पड़ेगा, इसके सब लाइटों के पीछे कौन है, एक बिजली है। देखो तो जहां हम स्थूलता के तरफ रहेंगे तो अनेकता का दर्शन होगा, सूक्ष्म के तरफ चले जाएंगे तो अनेकता में भी एक का दर्शन होगा, और सूक्ष्मतम में चले जाएंगे तो अनेकता का अस्तित्व ही मिट जाएगा, भले दिखे, हु केयर्स। विश्वात्म, जैसे एक ही बिजली विश्व के सभी बल्बों के बीच में से प्रकाश रूप से प्रकट होती है, उसी प्रकार से एक ही तेजो बिंदु परम, जो इस संपूर्ण जगत का एक ओरिजिन है, वो सब में एक ही है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में कहते हैं। इस 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर भगवान शंकराचार्य का बड़ा विस्तृत भाष्य है, दो जगह है, एक इस श्लोक पर और दूसरा आता है सर्वधर्मान परित्यज्य, वहाँ विस्तार का भाष्य है। तो उसमें कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद् यो वेत्तितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यह शरीर जो है क्षेत्र है, खेती है, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, उसका मालिक है। फिर हमको क्या समझ में आएगा, जितने जितने मकान उतने गृहस्थ, उतने उसके मालिक। भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ट्यूबलाइट कहती है मैं क्षेत्र हूं, इसमें प्रकाश क्षेत्रज्ञ है। ओहो समझ में आ गया, इतनी ट्यूबलाइट है, इतनी है, तो इतने क्षेत्रज्ञ हो गए। नहीं नहीं नहीं, फिर क्या है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, बिजली कहती है सभी बल्बों में, सभी ट्यूबलाइटों में मैं ही प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये कौन कर सकेगा, जिसने पहले अपने आप को देहात्म भाव से ऊपर उठाया, उसके पश्चात जीवात्मा भाव से ऊपर उठाया, और ऊपर उठा ही नहीं सकता था, पहुंच गए आप, केवल दो सीढ़ियां है, तीन नहीं, दो सीढ़ियां। देखो पहली सीढ़ी देहात्मा भाव से ऊपर उठ गए, फिर दूसरी सीढ़ी में फंस जाते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम। इसीलिए हमने हमारे कई सत्संग में, विशेष करके वो कोरोना फेस्टिवल में हमने बताया था कि तीन चार जगह में लोग इकट्ठे होते हैं,
पहले इकट्ठे होते हैं, फिल्मी शो फ्री, सभी उनके एक्टर आ गए हो, आपको सबको फ्री एंट्री है, तो दुनिया वहाँ एकदम टूट पड़ेगी, मैक्सिमम क्राउड। दूसरी जगह है हॉस्पिटल, बड़े इकट्ठे होते हैं लोग, हॉस्पिटल में किसी को इनविटेशन मिलता है क्या? अपने आप पहुँच जाते। फिर तीसरा स्थान होता है मंदिर। ये तीन जगह जाने वाले कौन है? पहले जो है वो है भोगी, भोग करना है दुनिया का मैक्सिमम नंबर। दूसरे है रोगी, हॉस्पिटल में जाने वाले दूसरा नंबर। तीसरा मंदिरों में जाने वाले कामी, वहाँ जाकर के बड़ी लिस्ट लेकर के याद रखते, ये कहना ये कहना, गए भगवान नमस्कार, कट 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 उठ गए, अरे एक तो भूल ही गया, फिर अरे कितना मांगोगे, कितना मांगोगे? देखो तो जब तक हम भोगी है, रोगी है, कामी है, तब तक के ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म वृद्धि संस्थितम ये गले नहीं उतरेगा। हमने समझो ये पढ़ लिया तो क्या मिलेगा? परेशानी। जैसे महाराज जी ने बताया थी ना कहानी छांदोग्य उपनिषद की, देखो जब मालूम नहीं था, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, तो तीन परेशानी थी, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। अब पढ़ लिए है, अब और ज़्यादा परेशानी है। ये परेशानी मुझे आप ही लोगों के घर के बच्चे बताते हैं। स्वामी जी मम्मी जो है ना आपके सत्संग में हमेशा आती है। मैंने बोला माफ़ करना, मैं क्या कह सकता हूँ। बोले नहीं, वहाँ से आने के बाद हम लोगों को इतना परेशान करती है, क्या आपने उसको परेशान करने के लिए सिखाया? क्या परेशान करती है? लेक्चर देती है। माने वो बदला निकालती है घर जाकर के, अभी मैं बदला निकालूंगी। यदि आपने इस ज्ञान को डाइजेस्ट किया है तो आपके अंदर शांति प्रकट होगी, आप किसी अन्य को बताने के लिए परेशान नहीं होगे। देखो महाराज, यदि आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया है, तो उल्टी नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि यह ज्ञान डाइजेस्ट हो गया है तो आप बोलने के लिए तड़पोगे नहीं। पकड़ पकड़ के सुन वेदांत, ब्राह्मण मालूम है, ब्राह्मण तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया, मैं बड़ा बताता हूँ, बैठो। क्या है वो शब्दों के परे, तो चुप रहो। महाराज हमारे शब्दों में अर्थ नहीं होता, इसीलिए लोग परेशान होते हैं। देखो जब शब्दों में अर्थ प्रकट होता है, देखो पिछले बार हमने बताया था भगवान शंकराचार्य ने एक जगह सत्य की परिभाषा बताई है, सत्य क्या है, उनके भाषा में एक जगह आता है सत्य किसको कहते हैं। सत्य माने वक्ता जो बोल रहा है वही अनुभव श्रोता के हृदय में प्रकट होता है, तब सत्य का प्रतिपादन हुआ है। देखो और ये कब होगा? जब वक्ता बिहारी बंगाली नहीं है तब। मालूम है क्यों? एक जगह हम गए थे, हमारा इंट्रोडक्शन कर दिया, आज के वक्ता बड़े बकबक करते हैं। वहां वक्ता नहीं होते, वक्ता होते, बकते रहो। देखो संतो, ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्मा, आप देखो विश्वात्मा का सूक्ष्म अर्थ, दाहिने हाथ में मैं हूँ, बाएं हाथ में मैं हूँ, पैर में मैं हूँ, सर में मैं हूँ, स्वास्थ्य में मैं हूँ, रोग में मैं हूँ। इसीलिए किसी के प्रति कोई ऐसा बायस व्यू नहीं है कि भाई यार ठीक है यार कोई बात नहीं देना मांग, नहीं 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 नहीं,
क्योंकि ये पूरे शरीर के लिए विश्वात्मा सभी में मैं ही हूं। ध्यान से सुनना, यदि हमारे मैं में जो भी इंक्लूड होता है उसके प्रति हमारे अंतकरण में मन में घृणा निर्माण नहीं होती। विश्वात्म हृदि संस्थितम, जो जो हमारे मैं इस परिभाषा के अंदर आ जाता है उसके प्रति घृणा द्वेष निर्माण नहीं हो सकता। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मुहा कश्यो कहा एकत्व अनुपश्यता न ततो विजुगुप्सते। देखो उदाहरण ले लो, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। मैं बीच में श्लोक इसलिए मारता हूँ तुमको बताने के लिए कि मुझे भी आता है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है नाटक। देखो महाराज, हमारे दिल्ली की बात है ये। मैं अब वो लड़की पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है। बहुत ही इंटेलिजेंट सीए थी वो, और बड़ी सुंदर, रोज़ आकर के सामने बैठती थी। एक दिन हम उसके घर गए, उसके घर नहीं गए, हम कहीं ब्रेकफास्ट के लिए गए। वहाँ वो आ गई, हमने कहा तुमको बुलाया क्या है ब्रेकफास्ट के लिए? बोले स्वामी जी ये मेरा ही घर है। हमको तो पता नहीं, कहते स्वामी जी वहाँ जाओ, हम वहाँ जाओ, हम जाते हैं, हमको फिक्र ही नहीं किसी चीज़ की। तो हमने कहा चलो मम्मी को करने दो, जो कर रहे तू मेरे पास बैठो। तो मैंने उसके हाथ अपने हाथ में लिए। पहली बार जिंदगी में मैंने इतने लंबे लंबे लाल नाखून शुरपण खाके जैसे इतने नज़दीक से देखे थे पहली बार। तो फिर मैंने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, यार तुम क्या खाती हो, खून खाती हो क्या, तुम्हारे नाखून लाल हो गए, क्या कारण है, कैसा है, और ये किसी को नोचने के काम आते हैं क्या, कि खुजलाने के काम आते हैं? उसके बाद ब्रेकफास्ट आ गया, हम भूल गए। दूसरे दिन आई वो सत्संग को, आने के बाद उसने अपने हाथों को ऐसा ऐसा करके, ये भी अंगूठा अंदर, ये भी ऐसा करके ऐसी बैठी रही, और मेरा ध्यान वहीं जाए। और सत्संग के बाद मैंने कहा तुम्हारे हाथ दिखाओ। नहीं स्वामी, मैंने दिखाओ। क्या कर दिया तुमने? काट दिए। अरे रे रे रे, कहाँ लाओ, मुझे अच्छे लगते हो। स्वामी जी मैंने फेंक दिए। आप ध्यान से सुनो, जब तक के वो मैं की परिभाषा में थे तब तक के वो प्रिय थे। आप अपने नखूनों को देखो, द्वेष आता है क्या? वही कट के गिर गया था, फेंक दो इसको कचरे में। सीखा क्या हमने? जिसको हम मैं की परिभाषा में इंक्लूड करते हैं उसके प्रति द्वेष घृणा नहीं आ सकती। हम लोगों में किसी के अन्य के प्रति द्वेष घृणा इसलिए आती है कि हमारा ध्यान एकदम ऊपर के स्तर पर है। देहात्म भाव से हम अलग अलग दिखते हैं, लेकिन है एक ही तत्व महाराज। इसको कहते हैं विश्वात्म हृदि संस्थितम। देखो, ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदि संस्थितम। भगवान कृष्ण के शब्दों में क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भारत का शब्द का अर्थ है भा माने ज्ञान, प्रकाश, शोभा, प्रभा, भानु, भास्कर, भाभा। भाभा एटॉमिक एनर्जी स्टेशन, प्रकाश। भारत, रत माने जो ज्ञान में प्रकाश में रमण करता है वो भारत। तो आप लोग जो यहाँ आए हो ये चौथे कैटेगरी के हो। तीन कैटेगरी हमने आपको बताई थी, भोगी, रोगी, कामी। अभी आप कौन हो? आप हो जिम में जाने वाले। जिम में कौन जाता है? स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य को टिकाने के लिए जाता है। बीमार आदमी जिम में नहीं जा सकता, अस्थमा हो गया,
और वहाँ मुझे ठीक करना है, चलो क्या करना है, उठा देखो महाराज, अरे उठाने के लिए कहा, उठ गए तुम तो नहीं, अस्थमा था। इसी प्रकार से जिनको परेशानी है ना, पत्नी ऐसे, पिता ऐसे, बच्चे ऐसे, के यू कम टू अ रॉन्ग प्लेस। देखो महाराज, एक बार आदमी को कंप्लेन करने की फ्रीडम दे दो ना, उसका कोई अंत नहीं। ये हमने आप ही लोगों से सीखा है। एक बार पहली बार कोई आए मुझे मिलने के लिए, और मेरी गलती थी कि मैंने उनकी बात पूरी सुन ली। तो स्वामी जी बस आपके साथ बोलने से मुझे हल्का हल्का लग रहा, मैंने मैं बाथरूम हो क्या, हल्का हल्का लग रहा है। तो आदमी जो टॉयलेट से जाके आते ना, हल्का लग रहा है। अरे रामा, अच्छा महाराज चले गए। दूसरे दिन है, स्वामी जी कल मैं एक भूल ही गया था, अनुभव बहुत हो गया, अभी बहुत ही हल्का होगा। इसीलिए अपने दुख को किसी को मत बताओ, किसी से कोई भी सिंपथी गैदर मत करो। बिल्कुल उसी में फंसे रहोगे नहीं तो। और दूसरा एक गणित बताए थे आपको, जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है वो उतना ज्यादा मैं इगोइस्टिक होता है, जितना कम दुखी उतना कम ईगो। भगवान को ईगो है ही नहीं, हमारी बंबई की भाषा है, भगवान को ईगो है ही नहीं तो परमानंद है। तो साधना क्या करे, खेलना शुरू कर दो, क्या हैप्पी हैप्पी। किसी ने पूछा गलती से, बाबू जी कैसे, जिंदा है, मरो फिर कब मरोगे। देखो महाराज, अपने शब्दों में भाव अर्थ प्रकट होना चाहिए। ठोक दो जोर से, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसमें भाव भी होना चाहिए। कैसे, अभी सुन के आया, कैसे, ठीक है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच गए। देखो महाराज, ये नहीं होता। इसीलिए ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्मा हृदय संस्थितम, अब इसके लिए साधना बताते हैं। आणवम शांभवम शांतम स्थूल सूक्ष्म परम च यत। तो ये जो तत्व है हमारा स्वरूप, इसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये आता है अद्वैत ईश्वरवाद की प्रक्रिया में। इसको नाथ संप्रदाय भी कहते हैं, इसको कश्मीरी शैवाइज्म भी कहते हैं, इसको प्रत्यभिज्ञा हृदय भी कहते हैं। इसमें कहते हैं कि जो मार्ग है, जैसे वेदांत में बताए थे ना, कर्म मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, उसके बाद ज्ञान मार्ग, यहाँ उपाय कहते हैं। उपाय माने उप माने करीब, उप अय, अय धातु का अर्थ है पहुँचना, लाना, उप अय, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास लौट के आते हैं उसको कहते हैं उपाय। जैसे आप में से जो फ्लाइट से आए होंगे, तो आप देहरादून कैसे आए, हम फ्लाइट से आए, तो फ्लाइट हो गया उपाय। जो ट्रेन से आए कैसे आए, हम ट्रेन से आए, ट्रेन हो गया उपाय। अब एक बार यहाँ लैंड हो गए, उसके बाद उपाय का त्याग कर दिया ना आपने, कि पकड़ के रखे, नहीं ये मेरी सीट थी, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। उपाय पूरा हो गया, हट जाओ। फिर वहाँ से यहाँ तक कैसे आए, कार में आए, तो कार भी उपाय है, काम हो गया छोड़ दो। उसके पश्चात ये घर अपने कमरे से यहाँ तक चप्पल से आए, चप्पल उपाय है, बाहर रख दो, और यहाँ अंदर आए, अब यहाँ क्या करना है, दिमाग खाली कर दो, तभी तो उसमें कुछ घुसेगा। दिमाग भरा हुआ है तो कुछ नहीं घुसेगा। देखो
इसीलिए उपाय तो तीन चार प्रकार के उपाय बताते हैं। आणवम, इसको आणवोपाय कहते हैं। अणु माने जीव, अणु, ये शब्द जैन फिलोसॉफी में भी आता है अणु। एक हमारे मित्र हैं, उनके लड़के का नाम अणु है, अणु जैन। तो आणवम, दूसरा शांभवम, जिसको कहते शांभवोपाय। देखो एक है और सूक्ष्म, तो आणवोपाय का तात्पर्य है कि हमको अपने जीवन में ऐसा जीना है कि जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर ले, जिसको वेदांत शास्त्र में कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग की परिभाषा आपको एक शब्द में बताते हैं, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है उसको कर्मयोग कहते हैं। जिसके द्वारा दुनिया में परेशानी निर्माण करते हैं और स्वयं दुखी होते हैं उसको कर्म रोग कहते हैं। सच पीपल आर वर्कोहोलिक, जैसे अल्कोहोलिक होते हैं वर्कोहोलिक, वो एक मिनट शांत नहीं बैठ पाए, दूसरे को भी नहीं बैठे, क्यों बैठे, उठ जाओ, काहे के लिए, कुछ नहीं बैठ जाओ, अरे देखो वर्कोहोलिक। तो ये पहला उपाय है कि अंतःकरण को तीन रोगों से मुक्त करना है, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। ये तीन रोगों से मुक्त करने के लिए हमको यह कर्मयोग या आणवोपाय करना है, इसको कहते हैं कर्मयोग। तो जब हमको कुछ करना है तो पहले निकालना क्या है, आलस निकालना है। आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता। सुभाषितकार लिखते हैं एक जगह में कि यदि शेर या सिंह आलसी होकर के पड़ा रहे तो उसके मुख में कोई खाना नहीं डाल देगा, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। देखो ये नहीं कि गुरु महाराज उठा अब आपकी परेशानी है, नहीं 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 नहीं, यू वर्क हार्ड। वेदांत के टीचर जो होते हैं वो म्यूल गुरु नहीं होते, वो गुरु महाराज उठाओ हमने समर्पण कर दिया है अब तुम्हारी परेशानी, नो नो, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आणवम, फिर आलस्य निकाल गया, फिर दूसरा रोग है निद्रा। कई लोगों को सत्संग में निद्रा आती है, मुझे ये लोग बहुत पसंद है क्योंकि वही फिर आकर मुझे कहते स्वामी जी यू वर ऑसम, क्योंकि आपने मुझे नींद में डाला, मुझे नींद आती नहीं, वैसे सत्संग में आने के बाद नींद अच्छी आती है। आप क्या करते हैं, ये ब्रह्म की लीला है। देखो अर्जुन का एक विशेषण है गुड़ाकेश, गुड़ायाहा ईशहा गुड़ाकेश, गुड़ाकायाहा ईशहा गुड़ा, गुड़ा का माने नींद, जिसने नींद को जीत लिया है उसको अर्जुन कहते हैं। अरे फिर हमने तो जीत लिया है, हम कभी भी सो सकते हैं, नहीं नहीं नींद को जीतना माने कभी भी उठ सकते, ओह वो कठिन है। देखो महाराज निद्रा जब स्वस्थ होती है ना, स्वस्थ निद्रा से आप उठो तो आपको बहुत फ्रेशनेस आएगा। जब आपकी निद्रा स्वस्थ नहीं होती, उठने के बाद भी चिड़चिड़ होती है, क्या क्या ये मॉर्निंग का क्लास आफ्टरनून क्यों नहीं लेते, हाँ फिर सो गए। तो निद्रा, फिर तीसरा है प्रमाद। प्रमाद का तात्पर्य है वही की वही गलती इतने बार करना कि वो हमारा एक स्वभाव बन जाता है। देखो इसको कहते प्रमाद। ये तीन चीज़ों से अपने आप को बचने के लिए आणवोपाय या कर्म योग कहा गया है। एंड देयरफॉर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो जो आपको करणीय है वो करना ही है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विशेषतकम समा, अपने जीवन के हरे कर्म के साथ 100% लग जाओ, आप देखेंगे जीवन इतना सहज बन जाता है, कोई इसमें परेशानी नहीं रहती। तो आणवोपाय हमको देहात्म भाव से ऊपर उठाने का एक उपाय है, वो करने से
हम इस तेजो बिंदु पर ध्यान कर सकते हैं, बाकी के बाद लंच के बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।